हेलो माय वाइटी फैमिली, कैसे हो आप लोग। आज हम ना हाफ के जी का चॉकलेट फ्लेवर का केक बनाने वाले हैं। उसमें ना चोको चिप्स हमको ज़्यादा यूज़ करने हैं, क्योंकि कस्टमर को चोको चिप्स ज़्यादा पसंद है और मीठा भी पसंद है। तो इसलिए मैंने ये शुगर सिरप में ना गनाश और शुगर दोनों ऐड करके ये शुगर सिरप बनाया है। देखिए, फर्स्ट लेयर को हमने अच्छे से सोकिंग कर लिया है, उसके ऊपर हम क्रीम, चॉकलेट केक है तो गनाश का यूज़ करेंगे। इसमें ढेर सारा गनाश ऊपर ऐड करेंगे। मुझे जैसे गनाश लगता है ना, मैं वैसे ही बनाती हूँ। एक साथ सारा गनाश बना के नहीं रखती हूँ, कभी ऑर्डर नहीं आता है तो फिर वो गनाश वैसे ही रह जाता है, तो उसकी टेस्ट अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, जब ऑर्डर आता है ना तभी गनाश बना लेती हूँ। देखिए, इसमें हमने ढेर सारे चोको चिप्स ऐड किए हैं। ये हाफ के जी का केक है, लेकिन ना हाइटेड में चाहिए था, इसीलिए मैंने क्या किया है, 5 इंच केक टिन में बेक किया है। ये हमारी सेकंड लेयर है, इसको भी हम अच्छे से सोकिंग करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग ना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लोग वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन कोई भी लाइक नहीं करता है, शेयर नहीं करता है, सब्सक्राइब भी नहीं करता है। ये देखिए, सेकंड लेयर भी हमने अच्छे से सोकिंग की है, और साइड में जो दो लेयर के बीच में गैप होता है ना, उसको भी हम क्रीम से फिल कर देंगे। फिर थोड़ी क्रीम लगाएंगे, फिर क्रीम के ऊपर ढेर सारा गनाश और चोको चिप्स ऐड करेंगे। मैंने बोला ना कस्टमर को कि बहुत ज़्यादा चोको चिप्स पसंद है, इसलिए मैंने ढेर सारे चोको चिप्स ऐड किए हैं। बहुत कस्टमर ऐसे भी आते हैं ना जिनको चोको चिप्स बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि बोलते हैं आप चॉकलेट का यूज़ कर लेना। तो डार्क कंपाउंड को आप क्या करना, कद्दूकस कर लेना या नाइफ से छोटे छोटे पीसेस करके उसका यूज़ कर लेना। ये जो कस्टमर है ना, ये मेरी रेगुलर कस्टमर है, ये मेरे से हमेशा केक लेके जाती है, इसीलिए मैक्सिमम ना मैं क्या करती हूँ, इनसे ज़्यादा चार्ज नहीं लेती हूँ। देखिए, हमारी लास्ट लेयर है, इसको भी हमने अच्छे से सोकिंग की है। अब ना हम क्या करेंगे, थोड़ी सी क्रीम के साथ ना उसको क्रम कोट करके फ्रिज में सेट करेंगे, और केक बोर्ड को ना अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अगर आप लोगों को ना मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग ना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ दोस्तों। ये देखिए, क्रम कोटिंग की है, इसको फ्रिज में सेट करने के लिए रख दूँगी। देखिए, मैंने फ्रिज में सेट करके रख दिया था, और बाद में जब लिया ना तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया है, तो मैंने अभी पाइपिंग बैग में क्रीम फिल करके इसकी हम फाइनलाइजिंग कर रहे हैं। आपके पास जो भी स्क्रैपर हो ना, उससे आप अच्छे से केक की आइसिंग कर लेना। और केक, ये केक में ना कस्टमर ने लाइट पिंक और डार्क पिंक कलर का यूज़ करने के लिए कहा था, और उसके ऊपर ना पायल लिखने के लिए कहा था, और अलग अलग स्प्रिंकल यूज़ करने के लिए कहे थे। तो ना मेरे पास वाइट कलर के लंबे वाले स्प्रिंकलर नहीं थे, जिससे हम वर्मीसेली बोलते हैं, तो वो मिक्स में थे, जैसे बड़े शुगर बॉल्स, छोटे शुगर बॉल्स, एकदम छोटे शुगर बॉल्स। तो मैंने क्या किया, फिर उसमें से निकाले और फिर केक के ऊपर ऐड किए। ये जो डिज़ाइन बनाई थी ना, मैंने इसके ऊपर ना पायल नाम लिखा था, लेकिन ना दिख ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने क्या किया, डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज कर दी, और फिर उसके ऊपर पिंक कलर की क्रीम से, और फिर उसके पिंक कलर से नाम लिखा, और फिर पिंक कलर के ऊपर मैंने वाइट कलर क्रीम से नाम लिख दिया, तो अच्छा लग रहा था। वो ना रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, आप देख सकते हैं, लाइट डार्क पिंक कलर का यूज़ करके ना डिज़ाइन पे बना रही हूँ। अगर आप लोगों को ना मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ये देखिए, पूरे केक पे ना ऐसे ही डिज़ाइन थी, कस्टमर ने पिक भेजी थी ना,
तो उसमें यही डिज़ाइन थी, डार्क पिंक और लाइट पिंक कलर का ही यूज़ किया था। मैंने कहा था ना कि मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, वहाँ ना वीडियो ना एकदम से स्टॉप हो गया और मुझे पता ही नहीं चला कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। ये देखिए केक पर ना अलग अलग टाइप के स्प्रिंकल्स है, रेड कलर का है, वर्मीसेली है वाइट कलर की, सिल्वर कलर्स के बॉल्स हैं। ये देखिए मेरे पास वो सब अवेलेबल थे तो मैंने ना केक के ऊपर सब लगा दिए हैं। देखिए ये ना रेड कलर के शुगर बॉल है, मैं ना वो यूज़ कर रही हूँ और सिर्फ केक के ऊपर ही लगाना था, साइड में कुछ भी नहीं लगाना था। तो मैंने क्या किया है ना, सिल्वर स्प्रे होता है ना हमारा फुसफुस वाला, तो मैंने वो पूरे केक के ऊपर स्प्रे कर दिया था। तो इससे आप लास्ट में देख सकते हैं एक अलग सी शाइन आई है और केक का लुक बहुत ही अच्छा निखर के आया है। ये देखिए फाइनल लुक। अगर आपको मेरा एक केक का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।